now let's move to this one now this is also important what is given to you if the annual income of x is 20 percent okay 20 percent more than that of y then income of y is less than that of x by p percent what is the value of p it is very simple better, okay? you have to understand in this way द एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन वाई ठीक है तो ये तो यू कैन टेक एनी वैल्यू एंड ऑप्शन पी परसेंट पूछा भाई सारे ऑप्शन परसेंटेज में यू कैन टेक एनी वैल्यू अब जो एनुअल इनकम है एक्स की वो ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है वाई से तो इफ़ यू टेक वाई इज इक्वल टू हाउ मच हंड्रेड तो एक्स ऑटोमेटिकली कितना जाएगा वन ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट ज्यादा ठीक है ओके सो एक्स इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन वाई

ठीक है तो हेयर वी हैव टू फाइंड डिक्रीजिंग परसेंटेज अगर किसी ने परसेंटेज पढ़ा है ठीक है इफ़ यू हैव हैव इफ यू बेसिकली रेड परसेंटेज सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड अदरवाइज वॉच माय वीडियोस इन दैट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज ओके सो हेयर वन इज नथिंग बट एक्स और आपको ये बताना है कि वाई एक्स से कितना छोटा है वाई इज हंड्रेड सो वट हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड डिक्रीजिंग

48 16 2 by 3 percent B will be the right answer. Okay.